गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग का कुछ स्पेशल डे है। क्या स्पेशल डे है याद करो, जो लोग जानते हैं वो समझ चुके होंगे कि आज है 18th ऑफ मई और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इसी खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली से बाहर। और इतनी गर्मी दिल्ली में पड़ रही है कि हमने सोचा कि किसी हिल स्टेशन चलते हैं। सो अभी हम रास्ते में ही हैं एंड हम जा रहे हैं लैंसडाउन। और मैं तो पहली बार पहाड़ वाले इलाके में जा रही हूँ, बिकॉज मैं तो माउंट आबू गई थी, बट माउंट आबू के टाइम पे भी यही था कि हनीमून वाला टाइम था वो, तो बस हमने फटाफट उदयपुर एक्सप्लोर किया और फटाफट एक ही दिन हम रुके थे बस माउंट आबू में। लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ भी। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसा रहता है सब कुछ। अभी हम मेरठ क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए हैं एंड इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मतलब लिटरली मेरी आंखें देखो कैसी हो रखी हैं। और मैं व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कम से कम 10-15 बार कर चुकी थी बट अभी तक स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे ही फ़ोन उठाती थी ना नींद आने लगती थी। बिकॉज हम रात को हार्डली आए, सिर्फ साढ़े तीन घंटा सोए होंगे, सुबह सुबह उठ गए। और भैया इसकी तो हिम्मत है, गाड़ी भी चला रही है, लेकिन मेरा तो नींद आई जा रही है। अभी हम कहीं खाने पीने के लिए थोड़ी देर में रुकेंगे, 9 बजे के आसपास रुकेंगे, क्योंकि हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। और ब्रेकफास्ट नहीं, बस मैंने तो ब्रेड पीस खा लिया था और चाय भी थी, इस बेचारे ने तो वो भी नहीं। सो यार देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। आप लोग सारे व्लॉग्स में बने रहो ताकि आपको भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाए। मैं जितना हो पाएगा कैप्चर करने की कोशिश करूँगी मोमेंट्स को भी, प्लस साथ ही साथ में जो भी वहाँ पे लोकेशंस होंगी, जैसा भी रहेगा, जो बताने वाली चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, ताकि अगर कभी आप भी आगे प्लान करते हो तो आप बहुत आराम से जा सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, जब कहीं पे रुकेंगे तब आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे रुकते हैं, क्या खाते हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट करने तो ज़रूर रुकेंगे, बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। गाइस मिल लो नोनी से, ड्राइवर बहुत ही अंडर एज ड्राइवर है सर, आप देख सकते हो छोटे बच्चों जैसे चला रहा है और छोटे बच्चों जैसे ही कपड़े पहने। नहीं यार अच्छा लग रहा है आज, ये इसका थोड़ा मूड था थोड़ा वेकेशन मोड पे ऐसे फंकी लुक रखने का, तो उसी तरीके से ये जा रहा है। और मैं तो सिंपल सोबर जाके वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करूंगी जब बाहर जाएंगे। मैं बताऊँ मतलब घूमने 1 साल पहले नहीं, वृंदावन वगैरह गए तो थे, तो वृंदावन गए थे, लेकिन वो तो भगवान जी के दर्शन करने, ऐसे तो हम ट्रिप तो ट्रिप होता है ना। हाँ तो फिर वही है, हम गए थे सर्दी के टाइम पे, आई गेस नवंबर में गए थे। हाँ तो 6 महीने बाद लिटरली, लेकिन मजा आया ना, अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है गाइस, काफी दूर हम कवर कर गए, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर सकते हो, दिख रहा है तो देख लो भाई। अरे ये देखो चार घंटे 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 8:30 हो रहा है सुबह के, तो आप मान लो कि 1 हम लोग दिल्ली से लैंसडाउन जा रहे हैं। तो दिल्ली से लैंसडाउन 250 किलोमीटर है, मतलब आप मान लो 5.5 घंटे का रास्ता अप्रोक्सीमेट, जो अगर हमने नॉनस्टॉप जाते हो तो। हाँ नॉनस्टॉप जाते हो तो, अगर कहीं पे रुकते नहीं हो तो, बट ऑब्वियसली ऐसा कभी भी नहीं होता है कि नॉनस्टॉप आप जाते जाओ। अगर आप बाय रोड जा रहे हो, मतलब गाड़ी से जा रहे हो अपनी, तो आप लोग मान के चलो कि हाँ, अगर आप जैसे हम लोग सुबह निकले थे 6:30 के आसपास, तो 1:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स हम पहुँच जाएंगे, जितना अभी हम अपना एस्टिमेट लगा के चल रहे हैं। सो बहुत ही सही है, बिकॉज यार अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी में ही, बस में जाते कैसा होता कैसा नहीं मुझे नहीं मालूम। और रही बात स्टे करने की, तो हमने रिजॉर्ट्स चेक किए हैं, अभी हमने बुक नहीं किया, बिकॉज हमारा ना उदयपुर का एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही रहा था कि हमने उससे मेक माई ट्रिप से बुक कर लिया था, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि उसी प्राइस में हमें और बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे, इवन बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल सकते थे। सो इस बार ही हमने डिसाइड किया कि हम नाम वगैरह हमने सर्च कर लिए कहाँ है रिजॉर्ट्स, वो लोकेशन पता चल रही है, लैंसडाउन में नहीं है, उससे पहले ही पड़ जाते हैं। सो हम वहीं पर जाके रूम बुक करेंगे, देख कर सब कुछ कि कैसा है कैसा नहीं है, बिकॉज हमें वही बेटर लगा, बिकॉज हमारा वृंदावन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था इस चीज़ में। हमने जाके देख के बुक किया, तो वहाँ पे हमें ठीक ठाक प्राइस में बहुत अच्छा होटल मिल गया था। इवन आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखोगे तो मेरा वो वाला शॉर्ट ट्रेंडिंग पे चल रहा है, बेस्ट होटल इन वृंदावन के नाम से, बहुत ही अच्छा होटल था, उनकी सर्विसेज अच्छी थी, फूड अच्छा था, और इतना अफोर्डेबल और सही प्राइस में हमें रूम मिल गया था। सो यही है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 250 किलोमीटर है तो भैया 5-6 घंटे 6.5 घंटे अगर नॉनस्टॉप ड्राइव कर सकते हो तब तो पहुंच जाओगे, नहीं तो वही 7 घंटे तक तो पहुंच ही जाओगे जैसे पहुंच ही जाओगे। मैं पहुंच ही जाती हूँ, जैसे कुकी को हम बोलते ले लेती हूँ, ऐसे ही मैं पहुंच ही जाती हूँ।
गाइज ये देखो ये रास्ता कितना मस्त है, एकदम गांव टाइप फीलिंग आ रही है इधर, और ग्रीनरी ग्रीनरी है पूरी। पीछे अभी देखा था मैंने उपले के इतने सारे ढेर लगे हुए थे, और जैसे मतलब मेरठ जाते टाइम तो खेत खेत पड़ते हैं ना, यहाँ पे ही ऐसे ऐसे इतने सारे ट्रीज हैं। और ये देखो मुझे काफी प्यारा लगा, मैंने रील भी बनाई है इसकी, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। बहुत ही पीछे से जब आ रहे थे तब जो रास्ता था ना एकदम ऐसे ब्यूटीफुल सा लग रहा था, बहुत मस्त है। ऐसी ऐसी चीजें बाहर देखने को मिलती है ना, मजा आता है। गाइस इन बच्चों को देख लो जरा, बस क्या मौज चल रही है इसके अंदर। ये होता है बचपन जिसमें कुछ नहीं पता, बस मजे करने हैं, आराम से बैठ के उसमें पता नहीं कहाँ की सवारी निकले जा रही है इनकी। और ये ना पता नहीं कौन से गाँव में हम आ गए हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। नोनू कह रहा है ये हाईवे ही है, पता नहीं भाई कहाँ आ गए हम। ओ भाई फाइनली खेत मिल ही गए, कब से ढूंढ रही थी मैंने कि कहीं तो खेत दिखे जब हम गांव के बीच में से आ रहे हैं। गाइस कोई खतौली मीरपुर ऐसे ऐसे ये गांव के बीच में से हम होकर आ रहे हैं। और एक बात बताती हूँ अभी, ये देखो गाइस, ये देखो क्या अलग ही मौज है भाई। ऐसे तो ये तो याद दिला रहा है हमें हमारे उधर कौन सा पेपर देने जब हम जाते थे हरियाणा साइड की, है ना, ऐसा सही रूट था झज्जर। अभी ना प्रशांत ने एक बात बोली, कहता कि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी थी लोग लैंड्स डाउन जब जा रहे थे, लाइक हम प्लान तो करके जाते ही है ना कि देखते हैं कि हाँ भाई गाड़ी से जा रहे हैं तो और लोग कैसे गए हैं, क्या रूट है ये वो। बोलता साला किसी ने ये वाला रूट नहीं दिखाया कि गांव के रास्ते के बीच में से होकर निकलना पड़ता है, सब लोग बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे दिखाकर रह गए। तो मैंने बोला मैं दिखाऊंगी ना, और मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि वो एक्सप्रेस वे खत्म होने के बाद आपको इस तरीके के गांव के रास्ते के बीच में से होते हुए लैंसडाउन जाना होगा। सो ठीक है, इसका भी अपना एक मजा है, लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ गाड़ी रिक्शा और ये सब चला रहे हैं ना, इतना नोनू इतना गुस्सा कर रहा है ना इतना, क्योंकि इसको बेचारे को बार बार कभी कोई डिस्टर्ब कर जाता है कभी कोई। एंड लिटरली मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अभी तो मुझे ड्राइविंग आती ही नहीं है, खैर वो अलग बात है, लेकिन यार इट्स नॉट ईजी भाई, बहुत चीज़ों का ध्यान रख के चलाना पड़ता है। अगर आप खुद सही भी चला रहे हो, मैंने ये चीज़ देखी, वो बेचारा प्रशांत सही चला रहा है एकदम अपने हिसाब से, तो आगे पीछे वाले नहीं सही चलाते, उनको जो करना है उनको जिधर से निकालनी है वो उधर से निकाल रहे हैं। मेरे जैसा बंदा तो पता नहीं क्या ही कल्याण कर मारे रोड के ऊपर, इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंस है, मैं तो उसी के ऊपर चढ़ा दूं मर जाता। क्या हमारा भी जाएगा उसका भी जाएगा, और क्या मेरा अकेली का क्यों जाए भाई, दो पल पेशेंस रखने में क्या हो जाता है, दो चार गालियां दे दो बस अपनी तसल्ली के लिए, मत बोलो जैसे तू करता है ना। हाँ मैं तो दे देता हूँ गाली। गाइस यहाँ पे अभी हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप मिला है, वहाँ पे हम रुके हैं, जिसका नाम है मैक्स मिलियन रेस्टोरेंट। एंड गांव वाले एरिया में तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, बट हाँ ये एक हमें थोड़ा सा बेटर लगा, तो हम यहाँ रुके हैं। मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ, फिर अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या कुछ है। तो ये देखो फ्रेंड्स ऐसा सा है, और यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आके रुकी हैं, सो वी आर गोइंग देयर। एंड प्रशांत तो जा भी चुका है। वाओ यार बाहर भी सिटिंग है, बट अभी बाहर काफ़ी गर्मी है, सो हम अंदर ही बैठेंगे, अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसी जगह है। सो फैम दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी खाना तो टेस्ट करके पता चलेगा कैसा है, लेकिन ठीक ठाक रीजनेबल प्राइसेस हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के, देख रहे हैं। सो अभी प्रशांत डिसाइड कर रहा है पहले वो क्या खाएगा, देन आई एम इडली सांभर खाऊंगा। इडली सांभर हाँ बढ़िया, मैं पराठा खाने वाली हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। आलू पराठा, आलू ओनियन, आलू ओनियन पराठा, आलू ओनियन पराठा, लेट मी चेक। ये देखो गाइस कितने सारे तरीके के यहाँ पराठे हैं, और ये स्नैक्स और ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है। सो तेरा डन है इडली सांभर। तो अपने पकोड़ों का वेट करते हुए लोग, हमने तो पराठा मंगाया भाई, हम तो पराठा खाएंगे, समझ आइए। पराठे देख घर में पराठे यार, वो कम से कम ऐसी चीज़ है जिससे पेट भरता है, ठीक है ना, और मैं भूखी नहीं रह सकती, एंड यू नो दिस। तो तू पकौड़े खा, मैं पराठे खाऊंगी। और ये जो पानी आया ना, पैसे का पानी है, इसे पियो मत, जब बोतल लाई हूँ घर से तो तुझे क्यों पीना है इसको, ले लेंगी ना। सो गाइस ये देखो ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट है, इधर इनका ये छोटा सा काउंटर है ढाबा स्टाइल, और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, और अभी भी लोग आए हैं। हाय गाइस, सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैं अभी बात कर रही हूँ मेरी तरफ देखा। ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया था मिक्स पकौड़ा पराठा, और उसके साथ इन्होंने कुछ कुछ अचार चटनी भी दिया है, लेकिन आप एक नज़र देखो कितना लजीज लग रहा है। ये देखो पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये है मिक्स पकौड़ा, हाफ प्लेट है ये, लेकिन देखो कितनी अच्छी क्वांटिटी है। ये है मेरा पराठा आलू प्याज का तेरे जैसे गोल, देन यहाँ पे है अचार, देन यहाँ पे है चटनी, एंड हमारी एक एक चाय गर्मा गर्म। सो यहाँ पे और भी अलग तरीके की सॉस दी हुई है, अगर किसी को सॉस पसंद है तो वो खा सकता है, फिलहाल मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है।
सो लेट मी टेस्ट एंड टेल यू कैसा है। पहले हम थोड़ा सा पकौड़ा टेस्ट करेंगे नूनू के में से, जिसके लिए पिटाई भी हो सकती है पर नहीं होगी, की जरूरत है मुझे। हाथ में खा ले इसमें इसमें ऐसे करके ऐसे करके ले ये पे डाल पागल। चलो तो ये पकौड़ा है पालक का। जब पेट में दाना जाता है कैसा लगता है? बहुत अच्छा, जैसे शादी में स्टार्टर्स मिलते ना। एक और बस नोनू बस पनीर का अमेजिंग टेस्ट। चलो बाय बाय। नहीं मैं अचार के साथ खाते हैं, मुझे चटनी के साथ भी पसंद है। टू गुड, अच्छा डिसीजन था गाइस यहाँ पे आने का हमारा, इसी ने लिया था, मैं तो बाहर रखवा देती थी किसी टपरी पे, बोलता यहाँ अच्छा है। तो अभी हम इसको खा लेते हैं फटाफट से, फिर मिलेंगे आपसे ब्रेकफास्ट करने के बाद। बुखरदीन को देख लो जरा, ओहो कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा है ना, दिखने में ही इतने अच्छे हैं यार ये, खाने में तो और मस्त है। तो चलो मैं भी खाती हूँ। सो गाइस खाना पीना सब निपट चुका है एंड अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बट प्रशांत वॉशरूम गया है, यहाँ पर रेस्ट रूम छोटा सा बना हुआ है वहीं पर गया है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विसेज थी, टेस्टी भी बहुत था खाना और प्राइस भी रीजनेबल था। सो अभी हम यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। सामने जो बोर्ड मुझे दिख रहा है ना उस पर करनाल 90, ये देखो ऐसा सा कुछ है और यहाँ पे बोर्ड पे करनाल 94 किलोमीटर दिखा रहा है, बट हम करनाल थोड़ी जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं लैंसडाउन। सो यहाँ पे रेस्ट रूम एरिया है लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, मुझे तो नहीं जाना भाई, लेकिन कितना अच्छा वेदर हो रहा है भाई, बहुत मस्त है और ये जगह भी मुझे काफ़ी पसंद आई। क्यूट सी, वो आए हल्के जरा अपना आउटफिट तो दिखा दो। ओ टी डी गाइस देखो जरा इसको क्या मौज आ रही है, ये सबसे ज्यादा खुश है हैप्पी किड्डो, बिकॉज इसको बाहर घूमना ना इतना पसंद है, इतना जिसकी कोई लिमिट नहीं। जब है मेरे पास देखो इसको चिज्जी खरीदनी है अब यहाँ से, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो 5 रुपए का चिल्लर है ना दियो, वो पर्स में आजा ले ले निकाल यार, इसको देखो 5 रुपए का चिल्लर दियो, गरीब लोग, इसको टॉफी खरीदनी है यहाँ से। तो यहाँ पे ऐसे छोटी सी शॉप भी बनी हुई है यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज ना मैं बहुत टाइम के बाद बाहर आई हूँ। सच्चाई तो यही है कि हनीमून के बाद हम ढंग से बिल्कुल भी नहीं घूम पाए, पहले ये बीमार हो गया, मम्मी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई, सो अब फाइनली हम निकले, बस होपफुली हमारी जर्नी बहुत अच्छी रहे, भगवान जी से तो हम वही क्यूट हो। कितना क्यूट सा है, कुकी की याद आ गई यार, बीगल था बीगल, ये क्या लेडीज पर्स लेके घूम रहा है, पता नहीं कहीं से गिरा था ये। अच्छा जी पैसे रख दे इधर चुपचाप से। गाइज ये बैग मम्मी ने मुझे पैक करके दिया था और इसके अंदर है मेरा चुटुर पुटुर, बहुत सारा सामान, चीज़ बॉल्स, बिस्किट्स, सोया कचौरी एक्सेट्रा, जब भूख लगेगी और कुछ नहीं होगा तो ये खाएंगे, बाकी जो हमारे पकौड़े बच गए थे हमने पैक करा लिए। और ये रहे मेरे ड्राइवर साहब, सुनिए तो कहिए तो अभी और कितना आगे जाना है हमें,